अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद टी डॉट चीज कलेक्शन से गोदा। और ये देखें मेरा मुन्नू, आज मुझे देर हो गई आने में, माना निकल गया सैर पे और मुन्नू जो है ये यहाँ सो रहा है। मुन्नू मुन्ने मुन्ना मुन्ना नहीं बोल रहा भाई, मुन्ने को नींद आ रही है। मुन्ने सो रहे हो? हमेशा नहीं बोल रहे, इधर आओ आओ, प्यार करो मुन्नू को, प्यार करो। चलें जी उधर से घूम के जाते हैं, मुन्नू नहीं बोल रहा ऐसे। मुन्नू नहीं बोलता, आजा आजा मेरा मुन्ना, इधर आओ। ये दे, अब आया, सो रहा था। देखिए मिट्टी कितनी लगी हुई मेरे मुन्ने के ऊपर, मेरे मुन्नू के ऊपर कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। हैं सो रहे थे, उन्होंने खाना खा लिया है। आज मैं नहीं आई थी ऊपर खाना देने इसको, आज आया था सईद, खाना देके चला गया। बस बाज दफा काम घर का जो है ना नीचे से सिमटता नहीं है, तो फिर मैं नहीं आ सकती ऊपर इनको खाना देने। फिर मैं जब गार्डन को देखने के लिए आती हूँ फिर मैं इनके पास आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। कान देखना मेरी ड्यूटी में शामिल है, ख़ास तौर पे मुन्नू की, क्योंकि इनके कानों में जो है ना कीड़े इनको तंग करते हैं, बाज़ दफ़ा वैक्स लग जाती है ज़्यादा और फिर इन ये तंग होते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर इन्हें दवाई मैं देती हूँ, दवाइयाँ मैंने इनकी डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर से लिखवाई हुई हैं, और इनको मैं पेट की दवाई इनकी और इस तरह की जो ड्रॉप्स वगैरह कान में वो मैं इनके डालती रहती हूँ ताकि ये हेल्दी रहें, साफ़ सुथरे रहें कान इनके। तो बाकी तो माशाल्लाह ठीक है, खाना पीना अगर ये छोड़ देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि कोई ना कोई मसला जो है वो इनके साथ चल रहा है। फिर मैं इनको दवाई वगैरह दे के और माशाल्लाह ये ठीक हो जाते हैं। पहले पहले मैं डॉक्टर्स के पास इनको ले कर फिरती थी, तो फिर इनका जो डॉक्टर है ना उसने मुझे दवाई इनकी लिख के दे दी थी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला हो जाए फिर इनको लेके जाना पड़ता है डॉक्टर के, लेकिन अब तो मैं खुद ही इनको हैंडल कर लेती हूँ। है मुन्ने, है ना मुन्ने, ऐसे ही है ना मुन्ने, ऐसे ही है। तो ये जो मेरा चैनल है ये मेरी कैट्स का है और मेरे गार्डन का है। मैं वीडियोस बनाती हूँ इस पर लाइफ स्टाइल विद टी डॉट चीज़ पे, अपने मुन्नों के साथ, अपने माने के साथ, अपनी कोको के साथ और अपने गार्डन के साथ, जो मेरी बहुत पसंदीदा हॉबी है। ठीक है जी, और मेरी जो बिल्लियाँ हैं वो ऊपर ही रहती हैं छत पे, थोड़ी देर के लिए नीचे भी आ जाती हैं हमारे पास, लेकिन आम तौर पे ये अपनी छत पे ही रहना पसंद करती हैं। ठीक है जी, चलें जी अब ज़रा गार्डन की अपडेट लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं अपने काम की तरफ। और सबसे पहले माने को देखती हूँ, माना अगर यहाँ इर्द गिर्द कहीं पे गमलों के नीचे छुपा बैठा है तो देखते हैं, उसको भी ढूंढते हैं। माने माने की हट के नीचे देखें, माना अपनी हट में भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो कहीं पे गया हुआ है फिरने के लिए। ये देखें कितने प्यारे मॉसरोस, कलर देखें कितना प्यारा है इसका, एक ये वाला और एक ये मैंने आपको बताया था ना मेरे पास छोटी वैरायटी भी है मिनिएचर, ये देखिए ये हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए। और ये देखिए मेरा ट्री, ये सबसे पहले लगाया था मैंने जब मैंने इस घर में गार्डनिंग शुरू की थी, इसके फूल भी बहुत प्यारे होते हैं। और ये बहुत बड़ा हो गया, तना इसका इतना मोटा हो गया, और ये मेरी क्यारी में लगा हुआ है, ये देखिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गार्डन में पानी देंगे और फिर जाएंगे अपने दूसरे काम की तरफ। ज़रा चेक कर लूँ सारा, ये देखें ये बेल, झुमका बेल और ये गिलोय बेल, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है अपना कोचिया। और ये देखें हमने फर्टिलाइज़र दिया था इसको, मोतिये को, इसमें फूल आना बंद हो गए थे, तो ये देखें अब इसके ऊपर भी फूल आने शुरू हो गए। ये देखें शहद की मक्खी फिर रही है,
अब मुझे इनसे डर भी वैसे कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब नहीं लगता ज़्यादा। और इधर से घूमते हुए हम आएंगे अपनी चांदनी की तरफ। चांदनी में फूल खिले हुए हैं, ये देखें, इसको ना आयरन की कमी हुई हुई है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि ये जो छुरियाँ होती हैं ना, और ये आयरन की चीज़ें होती हैं, लगा देती हूँ इनके गमलों में, उससे कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इन पे। और ये कल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, ये देखें मैंने इसमें क्रेट के अंदर आए थे आम, तो इसके अंदर मैंने मिट्टी भरी और ऑर्गेनिक मिट्टी जो मेरे गार्डन की मैं ख़ुद बनाती हूँ, और मैंने सबसे नीचे जो है 3 आमों की गुठलियाँ, और ऊपर जो है मैंने ये पुदीना जो है इसकी डंडियाँ लगा दी हैं। तो ये किया मैंने कल काम। उसके अलावा मैं आपको इमली की ग्रोथ दिखाती हूँ, इमली के जो मेरे सीड्स निकल आए थे ना, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जनाब, ये इमली के कितने सारे प्लांट्स बन गए हैं इसके अंदर, देखा आपने। और ये बड़ा सा एक डब्बा है, इसके अंदर इनको सबको एक तरह से पूरी खुराक मिलेगी, और मेरा ये वाला जो इस साइड का जो व्यू है ना, वो मुकम्मल हो जाएगा। इसका भी बड़ा प्यारा सा पौधा होता है, इसके पत्ते बहुत प्यारे होते हैं, खाने के लिए भी बड़े मज़ेदार होते हैं। देखें नई ग्रोथ इनके ऊपर, पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं इनके अंदर से। और एक तरफ ये गिलोय की बेल लगी हुई है, ये भी निकल आएगी, इसकी जो टहनियाँ होंगी। और ये वाला मेरा ये हुड का जो इस साइड का बांस है ना, ये भर जाएगा, इससे कवर हो जाएगा। और यहाँ से देखें, ये देखें यहाँ से भी एक बीज जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, अभी भी नीचे जो है ना जर्मिनेशन हो रही है बीज की और बीजों की। तो फिर अगर ज़्यादा हो जाएंगे फिर मैं इधर से निकाल निकाल के दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दूँगी इनको। चलें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन भी इसी तरह हरा भरा रहे, तो हमारे जो हम टिप्स आपको देते हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका गार्डन भी इसी तरह खूबसूरत हो जाएगा। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।